भारत आज पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में दो मैचों की इंडिया बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज से भिड़ेगा। ये मैच भारत और वेस्टइंडीज के साथ साथ विराट कोहली के लिए भी बेहद खास होने वाला है। दरअसल टीम इंडिया ने शुरुआती टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को पूरी तरह से पछाड़ दिया था और मैच एक पारी और 141 रन से जीत लिया था। जहां रोहित एंड शर्मा कंपनी क्वींस पार्क ओवल में दूसरे टेस्ट के लिए कैरिबियाई टीम के खिलाफ अपना दबदबा जारी रखना चाहेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच ऐतिहासिक है क्योंकि यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दोनों देशों के बीच टेस्ट होगा। हालांकि इस टेस्ट पर बारिश का भी खतरा मंडरा रहा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है जहां विराट कोहली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना 500वां मैच खेलेंगे। कोहली उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व क्रिकेट के 10वें खिलाड़ी बन जाएंगे। तो वहीं सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी होंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के दौरान पोर्ट ऑफ स्पेन में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे। 5 दिवसीय खेले के दौरान बारिश के खलल डालने की भी संभावना है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है जबकि नमी लगभग 80% होने का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें क्वींस पार्क ओवल एक खास कैरिबियाई पिच है जो पहली दो पारियों में बल्लेबाजों को मदद करेगी और जैसे जैसे मैच यहां पर आगे बढ़ेगा यह धीमी भी होती जाएगी। तेज गेंदबाज नई गेंद से गेंदबाजी का आनंद ले सकते हैं जबकि स्पिनर्स अंतिम 2 दिनों में काम आ सकते हैं। इस दौरान पर खेले गए 61 टेस्ट मैचों में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 20 मुकाबले जीते हैं जबकि पीछा करने वाली टीम 18 मौकों पर जीत हासिल कर चुकी है। क्वींस पार्क ओवल में पहली पारी का औसत स्कोर 300 से थोड़ा अधिक रहा है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।